कल्पांत में एक नारायण, उनके नाभ ही कमल से ब्रह्मा, चूंकि उनमें स्फुरणा हुई, नारायण में कामना पैदा हुई। वैसे तो एक बड़ी सिंबॉलिक कथा है, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नारायण सोता रहता है, नारायण माने जो लेटे हुए हैं। लक्ष्मी जी कभी कभी उन्हें प्रेरित करती है, उठो जगो कुछ करो, तब वो अवतार लेते हैं करुणा से भीग कर, नाना अवतार तब उनके होते हैं। एक से अनेक हो जाऊं, शास्त्र का एक महावाक्य आपको सुना रहे हैं, आपको याद हो सकेगा, मेरे पीछे पीछे बोलिए, एको हम बहुश्याम, एको हम बहुश्याम, एको हम बहुश्याम। मैं तो एक ही हूं, अनेक हो जाऊं। इस प्रकृति में, इस धरती में, इस सृष्टि में ये प्रवृत्ति है एक से अनेक होने की। अब एक बीज है, जैसे धरती में गया वो अनेक हो जाता है, एक बीज, उसमें अनेक फल लगे, फूल लगे, गंध, और देखिए छाल छाया, लकड़ी, पत्ते, फूल, बौर, मंजरी, अनेक हो गया। तासीर अलग अलग है उनकी, गोंद की अलग तासीर है, छाल की अलग है, पत्ते की अलग है, फल की अलग है, गुठली की अलग है, सबकी तासीर अलग अलग है ना। एक ही चीज की तासीर अलग है, मिजाज अलग है। ये हैदराबादी भाषा बोल रहा हूं मैं, तासीर और मिजाज यहां की भाषा है, बड़ी प्यारी सी है। अब जल का देखिए अलग तरीके का मिजाज है, गर्म करो तो कुछ और है, ठंडा कुछ और है। अरे जल का भी तो मिजाज बदलता रहता है। अब जल कहता है भाई मेरा तो, मैं तो वैसे ही हो जाता हूं जैसा कोई रंग है। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? वो कहता है जिसके साथ जोड़ दोगे वैसा। मैं लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, आसमानी बनने को तैयार हूं, ले आओ रंग, में वैसा होने को तैयार हूं, अनेक होने को तैयार हूं मैं, अनेक। फिर से बोलो, एको हम बहुश्याम। अरे मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, मैं अनंत हो जाऊं, मैं विचित्र हो जाऊं, मैं विविध हो जाऊं, बहुरूप धारण कर लूं। तो एक ही परमात्मा में एक स्फुरणा हुई नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा में एषणा पैदा हुई, उनके मन से मनु शत्रुपा, और यह सृष्टि का निर्माण हुआ। दरअसल में हम मनुष्य उपजे कहां से हैं, ओरिजिन क्या है हमारा, यह समझना होगा। ये जो हम मनुष्य हैं, हम कहां से प्रकट हुए? मन से, माता पिता के मन से पैदा हुए। माता पिता के मन में आया संयोग का विचार, माता पिता के मन में आया परस्पर दो तत्वों को एकीकृत करने का विचार। ये माता पिता के मन में आया एक विचार कि चलो दो रस एक कर लेते हैं। नहीं, हम तो माता पिता के मन की उपज हैं, यानी मन में आई कोई बात, भगवान के मन में आया कोई, मैं अनेक हो जाऊं, तो मन से ब्रह्मा हो गया, ब्रह्मा के मन में आए तो मनु शत्रुपा पैदा हो गए। तो मानसिक सृष्टि, पहले मानसिक सृष्टि थी, संकल्प की सृष्टि थी, संकल्प से सृष्टि बनी पहले,